रतन टाटा जी का तो खैर पूरा भारत ही सम्मान करता है, लेकिन अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो अंबानी और अडानी को गालियां देकर बुरा भला कहते हैं, तो आपको बता दूं कि आज कोरोना महामारी जब पूरे भारत में तांडव मचा रही है, इस समय ना ही कोई आंदोलनकारी, किसी भी पार्टी का नेता, कोई लिबरल गैंग का सदस्य, ये लोग देश की सेवा में बिल्कुल नहीं लगे हैं, बल्कि यही टाटा अंबानी और अडानी लगे हैं। और इनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, इन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत की आम जनता की सेवा में लगा लिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अंबानी की बात करें तो देश में कोविड-19 की सेकंड वेव को कंटेन करने में रिलायंस भारतीय सरकार की बहुत ही बड़े स्तर पर सहायता कर रही है। फिर चाहे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कई राज्यों को फ्री में बांटनी हो, या फिर गुजरात के जामनगर में 1000 बेड वाला कोविड हॉस्पिटल सेटअप करना हो, या फिर महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की स्थापना करनी हो, रिलायंस हर एक चीज में बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है। इन सब के बाद अब रिलायंस ने भारत को कोविड-19 से बचाने के लिए इजराइल के साथ हाथ मिला लिया है और एक नई टेक्नोलॉजी को भारत लाया जा रहा है। दरअसल रॉयटर्स, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड और कई मीडिया हाउसेज के वाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रिलायंस ने इजराइल के एक स्टार्टअप ब्रीद ऑफ हेल्थ से एक बेहद गेम चेंजर रैपिड कोविड-19 आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी को एक डील के तहत $15 मिलियन में खरीदा है, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत ला रही है। अब इस ब्रीदिंग टेस्टिंग सिस्टम को सेटअप और इंस्टॉल करने के लिए इसराइल से एक टीम को भारत लाया जाना था। अब क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल कोविड-19 की वजह से बाधित है, इसलिए इजरायली एक्सपर्ट्स को भारत लाने के लिए रिलायंस ने स्पेशल परमिशन मांगी थी, जो कि अब उसको मिल भी गई है। इस रैपिड टेस्टिंग सिस्टम की बात करें तो इसको गेम चेंजर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी भी इंसान की सांस ही पता लगा सकता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या फिर नहीं। और खास बात तो यह कि इसके रिजल्ट्स कुछ ही सेकंड्स में सामने आ जाते हैं। अगर सक्सेस रेट की बात करें तो अलग अलग टेस्टिंग के दौरान ये टेक्नोलॉजी 95% से ज्यादा सफल रही है और इसने कोविड-19 के पेशेंट्स को सही डिटेक्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी टेस्टिंग मशीनरी के इक्विपमेंट्स भारत पहुंच गए हैं और अब बस इजराइल से एक टीम भारत आकर इसको पूरी तरह ऑपरेशनलाइज कर लेगी। खुशी की बात यह भी है कि इस पूरी टेस्टिंग सेटअप के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास हैं, इसलिए रिलायंस इसको भारतीय सरकार की मदद के लिए डिप्लॉय करना चाहती है, जिससे कोविड-19 के पेशेंट्स को जल्दी से डिटेक्ट करके उनको आइसोलेट करने में बड़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ ब्रीद ऑफ हेल्थ नाम के इस इजरायली स्टार्टअप का जो डेलीगेशन भारत आना है, उनकी तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए इजरायल के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर युआव किश पर्सनली देखने गए थे और उन्होंने खुद भी ये कोविड-19 का एक्सेलेशन टेस्ट लिया। और ये जेस्चर दिखाता है कि इजरायल भारत के साथ अपनी दोस्ती को कितना सीरियसली लेता है। एग्रीमेंट के मुताबिक $15 मिलियन की लागत पर इजरायली स्टार्टअप ब्रीद ऑफ हेल्थ रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस तरह के कई 100 सिस्टम सप्लाई करेगा, जिनसे $10 मिलियन पर मंथ की लागत से भारत में लाखों करोड़ों टेस्ट हर महीने किया जा सकेंगे। अब क्योंकि आज के समय दिक्कत ये आ रही है कि देश की आबादी इतनी ज्यादा होने के कारण कोविड-19 के टेस्ट रिजल्ट 2-2, 3-3 दिन के बाद आ रहे हैं, जिनकी वजह से रिजल्ट आते आते पॉजिटिव पेशेंट ना जाने कितने और लोगों को संक्रमित कर देता है। इसीलिए कुछ ही सेकंड्स में कोविड-19 डिटेक्ट करने वाली इस टेक्नोलॉजी को बेहद गेम चेंजर बताया जा रहा है। खैर, अगली बार अंबानी या रिलायंस को गाली देने से पहले ये याद कर लेना कि वो देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।